Hello my dear friends, I welcome you all wholeheartedly to our channel that is Best Notes Tutorials. Today the topic that I have chosen is job application. Okay. Here you can see job application and this application writing is extremely important because whenever you go for applying to any of the institutions for a job, then certainly they will ask by data. एंड योर एप्लीकेशन राइट तो ये जो जॉब एप्लीकेशन है उसको कैसे लिखना है और आपका बायोडेटा करना है वो मैं आज आज इस वीडियो में सिखाऊंगी, राइट right? का कोरोना का सिचुएशन में जो पैंडमिक इतना वर्स स्टेटस में पहुंच चुका है उस सिचुएशन में मैक्सिमम लोग जॉब छोड़ रहे हैं कुछ लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं जो अच्छे जॉब में थे उनको निकाल रहे हैं और जो छोटे मोटे जो जॉब्स हैं उस पर उन लोगों को एप्लीकेशन देना बहुत जरूरी हो गया है राइट तो यहाँ पे पढ़े लिखे भी हैं कुछ यू नो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन लिखने में और हिंद में एप्लीकेशन आज के डेट में हार्डली कोई इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट करता है ओके इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों का प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर कम कर सकू तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी राइट तो इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी आप सभी को एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है आज के डेट में राइट क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे यू you नो know, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं वो ऐड करना क्रुशियल हो गया है ओके और पहले के जैसा नहीं है जिसमें परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को महत्व दिया जाता था पहले लेकिन आज ऐसा नहीं है आज ईमेल का जमाना है व्हाट्सएप का जमाना है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपके एक एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए ये मैं आपको ईच एंड एवरी बताऊंगी ओके ये सब बताऊंगी और आप अच्छे से इसको देखिए मैं एग्जाम्पल भी दूंगी आप लोगों को कि इसको कैसे फ्रेम करना है अगर आपको वहीं पे जॉब के लिए जाना है तो आप जस्ट अपना नाम चेंज कीजिए और जो भी डिटेल्स है वो चेंज कीजिए और ये एप्लीकेशन लेके सबमिट कीजिए मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी इंस्टीट्यूशन का मालिक है वो आपका एप्लीकेशन जरूर एक बार देखेगा क्योंकि उसका जो लैंग्वेज है वो मैं अच्छे से फ्रेम करके दूंगी और जो भी पॉइंट्स है उन लोगों के इम्पोर्टेंस के साथ में मैं सेट करूंगी ओके तो बिना डिले किए चलिए अब चलते हैं एप्लीकेशन की right? तो देखते हैं कि अब जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए और ये ध्यान में रखिए कि जॉब एप्लीकेशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है वो जो जॉब एप्लीकेशन आप लिखेंगे उसको सबमिट करेंगे वो शो करता है कि यू you नो know, आपका पर्सनालिटी कैसा है राइट व्हाट इज योर इंटेंशन टुवर्ड्स दैट जॉब ओके हाउ मच डेडिकेटेड यू आर गोइंग टू बी आफ्टर दे हायर यू राइट आपका इंग्लिश का स्टेटस कैसा है ओके okay, काम बाद में काम तो आपने अभी किया ही नहीं है तो आपको आप कैसे आपका काम तो आपने किया ही नहीं है अभी है ना तो आपके बारे में कैसे पता चलेगा वो जो कागज का टुकड़ा है उसी से है ना तो वो कागज के टुकड़े को हम लोगों को ऐसे सजाना है ताकि जो देखने वाला है वो इम्प्रेस्ड हो जाए और राएं? तो उसी काम के लिए हम लोग आज सीखने उसी काम को हम लोग सीखने वाले हैं ठीक है ठेके? और अगर आप चाहें तो उसको अच्छे से अः प्रेजेंट कर सकते हैं कैसे करना है चलिए मैं आपको आज सिखाती हूँ हेलो फ्रेंड्स मैं आज बताने जा रही हूँ कि आपको एप्लीकेशन जॉब के लिए कैसे लिखना है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करना है और कौन कौन से चीज़ अवॉइड करने हैं ताकि एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन से उसके बाद हम लोग जाएंगे बायोडाटा पे और जॉब एप्लीकेशन बिना बायोडाटा के कम्प्लीट नहीं होता तो पहले हम एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो देखते हैं उसके बाद में हम लोग बायोडाटा कैसे लिखना है उस पर फोकस करेंगे ओके तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन में फर्स्ट चीज़ क्या इंक्लूड होता है फ़र्स्ट है सेंडर्स एड्रेस जो एप्लीकेशन भेज रहा है उसका एड्रेस एड्रेस में बस आपको आपके स्ट्रीट का नाम लिख सकते हैं और जो सिटी है और उसके बाद में जो स्टेट uh, है अगर आप दूर जगह पे एप्लीकेशन दे रहे हैं तो अगर आप आसपास में ही दे रहे हैं तो सिर्फ अपने लोकेलिटी का नाम लिखिए उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल रोड का नाम लिखिए उसके बाद लोकेलिटी का नाम लिखिए और सिटी का नाम लिखिए उतना इनफ है ओके okay? पिन कोड वगैरह लिखने की uh, उतनी ज़रूरत नहीं है इसमें उसके बाद आपको आना है डेट पे डेट लिखना है फुल फॉर्म में ठीक है जैसे कि मान लीजिए सिक्सटीन मार्च है तो आप ज़ीरो थ्री की जगह लिखोगे सिक्सटीन मार्च कॉमा टू ज़ीरो टू वन ओके आप ऐसे नहीं लिख सकते सिक्सटीन ज़ीरो थ्री टू ज़ीरो टू वन ये ऐसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है लेकिन क्या होता है कि कंप्यूटर पे जब हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं तो कंप्यूटर में कभी कभी सेटिंग्स ऐसे किया गया रहता है कि ये आपको डे दिखाएगा और ये मंथ दिखाएगा सामने का ठीक है तो अगर वो सेटिंग्स हुआ है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने का चांसेस है इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हर चीज़ को अवॉइड करना है और ऐसे लिखना है जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो ओके तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डेट कैसे लिखना है उसके बाद अब चलते हैं हम लोग रिसीवर्स एड्रेस पे रिसीवर्स एड्रेस एप्लीकेशन जहाँ देना है वहाँ का एड्रेस होगा जैसे न्यूज़पेपर में अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा कोई स्कूल ने एडवर्टाइजमेंट दिया है तो वो स्कूल का नाम ओके okay, उसके प्रिंसिपल का नाम सबसे पहले ओके डेजिगनेशन ऑफ द हायर अथॉरिटी देन स्कूल का नाम राइट नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन उसके बाद उसका एड्रेस जो भी होगा वो लिखना है आपको ओके okay? तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है द प्रिंसिपल ओके द प्रिंसिपल उसके बाद यहाँ पे नाम होगा ओके okay? इंस्टीट्यूशन का उसके बाद इंस्टीट्यूशन का एड्रेस होगा ओके okay? चलिए उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको सब्जेक्ट मैटर आपको वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ से एडवर्टाइजमेंट मिला है आपको जैसे न्यूज़पेपर में टीचर के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर अब टीचर का कौन सा पोस्ट डिफरेंट होता है ना प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ओके पी आर टी टी जी टी पी जी टी राइट प्रोफेसर का है असिस्टेंट प्रोफेसर का है देन लेक्चरर uh, का है जो भी पोस्ट है वो आपको एडवर्टाइजमेंट में दिख जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट लिखना है ओके okay? उसके बाद आते हैं सैल्यूटेशन में सैल्यूटेशन में लिखना है आपको रेस्पेक्टेड सर ओके रेस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम अगर आपको कंफर्म पता है कि, आ, है, तो आप आपको है कि वहाँ पे सर है तो आप सर लिखिए अगर आपको कंफर्म मालूम है कि वहाँ पे मैडम है तो मैडम लिखिए और राइच? उसके बाद में कॉमा देने की जरूरत नहीं है रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखने के बाद कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है ये अभी फॉर्मेट में नहीं है उसको डिलीट कर दिया गया है ओके तो इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्ट्री पैराग्राफ में अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको मैं बताती हूँ इंट्रोडक्ट्री पैराग्राफ में आपको लिखना है वो यू नो जगह का नाम या फिर वो साइट का नाम जहाँ से आपने एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट देखा ये न्यूज़पेपर हो सकता है ये सोशल मीडिया हो सकता है या फिर कोई और किसी रिलेटिव से या फिर नॉन पर्सन से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो आप लिखेंगे थ्रू सम रिलायबल सोर्सेज ओके प्लीज़ कीप इन माइंड यू हैव टू राइट थ्रू सम रिलायबल सोर्सेज आई हैव कम टू नो अबाउट द वेकेंसी इन योर इंस्टीट्यूशन ऐसे करके आपको लिखना है अगर वो एडवर्टाइजमेंट किसी भी साइट से या फिर न्यूज़पेपर से आपको नहीं मिला है आप ये नहीं कह सकते कि मेरी दीदी ने बताया मेरे मेरा फ्रेंड ने बताया ओके थ्रू सम रिलायबल सोर्सेज ही लिखना है आपको नेक्स्ट इज़ डिटेल्स डिटेल्स में लिखना है आपको अपना क्वालिफिकेशन के बारे में राइट right? और आप कितना कितनी शिद्दत से आप वो काम करेंगे वो सब आपको ज़ाहिर करना है वो एप्लीकेशन में ओके okay? आपका डिज़ायर कितना स्ट्रॉन्ग हैं वो काम करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे अगर आप एंथुजियास्टिक हैं तो आप वहाँ पे लिखिए कि आई एम एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक टू डू दिस जॉब ओके उसके बाद में आपको डिटेल्स में ये भी बताना है कि आपने आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वालिफिकेशन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस देन कम्स डिज़ायर कितनी शिद्दत से आप उस काम को लगन से कर सकते हैं ओके okay? बस इतना लिख दीजिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है क्योंकि बायोडाटा में हम लोग बाकी सब कुछ इंक्लूड करेंगे और इतना दिमाग में रख लीजिए अपना कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को इतना टाइम नहीं होता कि वो ईच एंड एवरी वर्ड देखे आपके एप्लीकेशन का बायोडाटा उन लोग देख सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन को उन लोग जस्ट एक ग्लांस देंगे ओके एक झलक देखेंगे उसके बाद में अगर आप एलिजिबल हैं नहीं है पता चल जाएगा उसके बाद उन लोग आपको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे वो डिटेल्स देखेंगे इसलिए जो भी आपको वहाँ पे लिखना है वो जिस्ट में लिखना है छोटकरी में लिखना है और ऐसे नहीं लिखना है कि आपने जो किया है वो स्किप हो जाए ओके आपने जो अचीवमेंट किया लाइफ में स्कूलिंग से लेके यू नो जब आप कॉलेज में गए या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए गए वो सब नहीं छूटना है आपके एप्लीकेशन में और वो सब आप डालेंगे डिटेल्स जो पैराग्राफ होता है उसमें ओके नेक्स्ट है कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप इतना ही लिखेंगे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर किया जाए और आप उस काम को लगन से करेंगे ठीक है बस इतना एक लाइन या वन एंड हाफ लाइन में आपको कंप्लीट करना है राइट यू शुड नॉट राइट मच इन दिस एप्लीकेशन इट इज़ बिकॉज नन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल गेट टाइम टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर एप्लीकेशन राइट दे विल जस्ट हैव अ ग्लैंस Of your application and then they will decide whether you are perfect for the job or not if yes they will call you for the interview all right if not then they will keep your application aside all right therefore you should not exclude where vital things from your application all right okay let's come to signatory section in signatory you have to write yours faithfully and your name within bracket in capital letters remember

लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दिसके कुछ पेट्स बेल्ट अगर मैं कह रही हूं तो यहाँ पे देखिए ये एफोस्ट्रोफी मार्क की वजह से क्या हुआ पोजिशन झलक रहा है ना कि हाँ ये जो बेल्ट है वो इसका है, है कि नहीं ये एफोस्ट्रॉफी मार्क लगाने से ये बेल्ट इसका है ये पता चल रहा है लेकिन हमारे केस में योज़ में ये जो वर्ड है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है योज मतलब आपका है ना तो इसको फिर से एफोस्ट्रॉफी लगा के डबल पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा ओके आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल नाउ और राइट यू हैव टू राइट योर्स फेथफुली देन यू विल पुट योर सिग्नेचर देन विद इन ब्रैकेट यू विल राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स ओके you have to write your name in capital letters because signature differs and through signature we won't be able to see whose signature is that okay signature different hota hai isliye hum logo ko dhyan mein rakhna hai ki bracket ke andar apna naam capital letter mein likhna hai okay this will include biodata also okay the application will include biodata also और वो लिखना है ये चीज़ आपको लिखना ही लिखना है ओके okay, ये जो बायो डेटा इंक्लूडेड है वो आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि बाई चांस किसी वजह से आपका बायो डेटा गुम हो जाता है तो उन लोग लाइबल होते हैं उन लोगों को सर्च करना पड़ेगा कि इस बंदे ने एप्लीकेशन के साथ में बायोडाटा भी दिया था और हम लोगों से कहीं गुम हो गया और राइट आप क्योंकि जब भी एप्लीकेशन हम किसी इंस्टीट्यूशन में देते हैं रिसीविंग तो लेके आते हैं है ना वो तो अगर आप नहीं करते ये प्रैक्टिस तो आपको करना चाहिए और राइट right? अब हम लोग चलते हैं बायोडाटा की ओर उससे पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं यहाँ भी देखिए मैंने बायोडेटा इंक्लूडेड बोला है तो मैंने बायोडाटा इंक्लूड किया एप्लीकेशन के साथ और राइट right? किसी किसी इंस्टीट्यूशन में आपको मांगेगा ड्राफ्ट आपको मांगेगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ओके तो उस वक्त क्या करना है आपको नंबर कर दीजिए नंबर लगा दीजिए नंबर वन बायोडाटा नंबर टू ड्राफ्ट ओके okay, अमाउंट कितना है लिख दीजिए यूजुअली वन सेवेंटी फाइव मांगते हैं और अगर ज़्यादा है कम है वो तो डिपेंड करता है है ना तो वो आपको लिख दीजिए ड्राफ्ट ऑफ सो एंड सो डीडी ऑफ सो एंड सो अमाउंट ओके नेक्स्ट नंबर थ्री नंबर थ्री होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अगर आप पेस्ट नहीं कर रहे हैं उसके साथ में दे रहे हैं तब आपको पी, -पी लिखना है अगर आप एप्लीकेशन में ही उसको पेस्ट करते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है राइट आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको अभी हम लोग चलते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट सेक्शन में जिसका नाम है बायोडेटा ओके okay, बायोडेटा में आपको लिखना है नाम आपके पिताजी का नाम मदर का नाम मदर का नाम एक्सक्लूड नहीं करना क्योंकि उन्हीं की कंट्रीब्यूशन से एक बच्चा जन्म लेता है वो बड़ा होता है और बड़ा आदमी बनता है इसलिए मदर का नाम भी इंक्लूड किया जाता है तो आपको लिखना है पापा का नाम मम्मी का नाम डेट ऑफ बर्थ और ये किस फॉर्म में लिखना है मैंने आपको बता दिया डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है एक्सपेंडेड uh, फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब मान लीजिए ट्वेल्थ दिसंबर आपका जन्मदिन है तो आपको लिखना है ट्वेल्थ दिसंबर नाइनटीन हंड्रेड लेट मी राइट डाउन नाइन्टी फोर ओके तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है न कि वन टू वन टू वन नाइन एट फोर ऐसे नहीं लिखना है ओके okay? मैंने बता दिया है ये इसका कारण क्या है ओके लेट्स मूव अहेड सेक्स इसमें लिखना है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप लिख दीजिए क्योंकि किसी किसी इंस्टीट्यूशन में उनकी ज़रूरत थोड़ी डिफरेंट होती है राइट कुछ right? किसी किसी इंस्टीट्यूशन में सिर्फ लड़के लोग काम करते हैं तो वहाँ पे लड़कियाँ थोड़ा काम करना अनकम्फर्टेबल होता है और एम्प्लॉयर नहीं चाहते कि वो सब हो इसलिए आपको मैंशन करना है कि आप मेल uh, है फीमेल है ट्रांसजेंडर है उसी के अकॉर्डिंगली उन लोग एप्लीकेशन लेंगे अगर रिसेप्शन का काम है तो वहाँ पे यूजुअली लड़कियों को प्रेफर करते हैं या ना तो जैसा काम है वैसा वैसे लोगों को बुलाएंगे इसीलिए ये सेक्स लिखना ही है आप लोगों को नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस इसमें एक बात याद रखी ये कि ये जो सिंगल लिखना नहीं है आपको ओके सिंगल की जगह लिखना है अनमेरिड राइट अनमैरिड अगर आप अनमेरिड है तो सिंगल लिखना थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है ओके okay? तो आपको लिखना है अनमैरिड दिस इज राइट नेक्स्ट इज अगर आप अनमेरिड हो तो अगर मैरिड हो तो मैरिड लिखना है ओके okay? नेशनलिटी जो भी है इंडियन नेपाल से है तो आप लिखिए अपना नेशनलिटी क्या है ओके देन ई मेल एड्रेस ई मेल एड्रेस में आपको करेक्ट ई मेल एड्रेस देना है और वो ई मेल एड्रेस आपको चेक करते रहना है बार बार ओके okay? तो मैं ये सजेशन दूंगी कि जो ई मेल आप बनाएंगे यूजुअली क्या होता है कि पासवर्ड भूल जाते हैं लोग और पासवर्ड पासवर्ड भूलने की वजह से बार बार नया क्रिएट करते हैं ई क्योंकि पैसा तो लगना है नहीं ठीक है अगर पैसा लगना होता तो शायद उन लोग संभाल के रखते ई मेल आई को लेकिन पैसा लगना है नहीं यहाँ पे इसकी वजह से ई मेल आई भूल जाते हैं तो क्या करना है ई मेल आई आप लिखिए उसके नीचे पासवर्ड लिखिए और इस तरीके से लिखिए कि बाकी लोगों को पता ना लगे ठीक है मैं बता रही हूँ कि कैसे लिखना है एट वर्ड का आपने पासवर्ड क्रिएट किया उसके आगे कुछ वर्ड्स लिख दीजिए उसके पीछे कुछ वर्ड्स लिख दीजिए जो कि आपको एक्सक्लूड करके ई में डालना है पासवर्ड या फिर ई एक जगह लिखिए पासवर्ड दूसरे जगह कहीं पर सेव करके रख लीजिए ओके और लिखना है ई का पासवर्ड कहीं ना कहीं सेफ लिख के रखना है आप अब ये ये मत लिखिए कि ईमेल पासवर्ड सो एंड सो ऐसा नहीं लिखना है कुछ दूसरा सीक्रेट जो वर्ड है वो लिख के आपको ई लिखना है राइट right? ताकि ये सेफ़ रहे ओके okay, और नंबर वन ईमेल चेंज मत कीजिए बार बार पासवर्ड सही से याद रखिए ओके okay? एक ईमेल रखिए जिसमें आपका लाइफ टाइम का जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे मिल जाए कभी कभी फ़ोन नंबर गुम हो जाता है कभी कभी फ़ोन नंबर काम नहीं करता तब ये ईमेल ही है वो जिसको हम जहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं ओके ओके नेक्स्ट फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर भी सेम है ई जैसा ही ये फ़ोन नंबर जिसको हम लोगों को चेंज नहीं करना है बार बार अगर आपको बार बार चेंज करने का ज़रूरत होता है किसी वजह से तो दो रखिए फ़ोन नंबर एक आप जॉब्स के लिए ओके ताकि हर जॉब का नोटिफिकेशन वहाँ पे आए और दूसरा नंबर आप रख सकते हैं जो भी आपका बाकी का काम है उसके लिए ओके मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ़ोन नंबर चेंज मत कीजिए अब देखिए मैंने आपने सुना होगा कि जब मैंने इंट्रो दिया था वीडियो का तो बताया था कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का अभी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे क्यों लिखना है देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों काम नहीं करता ओके और एम्प्लॉयर को ये बंदा बंदे से काम करवाना ज़रूरी होता है ऐसा अगर उसका क्वालिफिकेशन है एक्स्ट्रा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है जो वही काम कर सकता है तो वो पाताल से भी ढूंढ के निकालेगा वो इंसान को ऐसा बोला जाता है ना हिंदी फिल्म का डायलॉग है राइट right? तो उन केस में वो रेयर केस में आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का सहायता लिया जा सकता है राइट सो द मेन थिंग इज दैट ई मेल एंड योर फोन नंबर शुड नॉट बी चेंज फ्रिक्वेंटली एट द सेम टाइम परमानेंट एड्रेस एंड कॉरिस्पोंडेंस एड्रेस मस्ट बी गिवन इन दायोडाटा Because in rare cases, they contact you through your address as well. If you are highly qualified or uniquely qualified, then certainly you are going to be called by your employers. Okay, would be employers, I must say. So, what you have to do, you have to mention all these things. Apart from this, what are there in my list? Let me show you. Okay, see here permanent address. correspondence एड्रेस educational क्वालिफ़िकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस हॉबीज़ languages नोन references एंड nationality ये भी इंक्लूड करना है ओके okay? अब मैं आपको दिखाती हूँ एक example जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको कैसे लिखना है एप्लीकेशन कैसे लिखना है और बायोडाटा को कैसे फ्रेम करना है चलिए मैं एग्जांपल दिखाती हूँ ओके okay, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ इसके ऊपर द प्रिंसिपल लिखा नहीं है आप प्लीज़ ऐड कर दीजिए द प्रिंसिपल ओके okay, क्योंकि हम लोग ये लिख रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल को अगर आप ये एप्लीकेशन मैनेजर को लिख रहे हैं तो लिखना है द मैनेजर ओके okay, अगर कोई और डेजिगनेशन है तो वहाँ पे लिखिए द और जो भी डेजिगनेशन है वो राइट एड्रेस right? तो आपको मिल जाएगा जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है वहाँ पे ओके okay? देखिए सेंडर्स एड्रेस डेट रिसीवर्स एड्रेस देन सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ पी टीचर इन इंग्लिश ओके फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया आपको रिस्पेक्टेड सर मैंने बताया है मैडम हो तो मैडम लिख सकते हैं अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेट फर्स्ट फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन दाइम ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो एडवरटाइजमेंट ये न्यूज़पेपर में मिला था जिसका डेट था ये ओके द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है जो कि जहाँ पे कि ये एडवरटाइजमेंट दिया गया था तो जो भी एप्लीकेंट है उसने वहाँ पे देखा है और वो पोस्ट था ये और वहाँ पर वो जो कैंडिडेट uh, है वो अप्लीकेशन देना चाहता है राइट आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम ये एडवर्टाइजमेंट मैंने न्यूज़ में देखा वो न्यूज़पेपर इस डेट का था और मैं उसके लिए एप्लीकेशन देना चाहता हूँ क्यों देना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट है उसका क्वालिफिकेशन परफेक्ट है कहाँ से किया ये भी आपको बताना है और आपको बताना है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी जैसे कि टीचिंग में बी मस्ट है जूनियर अगर सेक्शन में पढ़ाना चाहते हैं तो बी और इसको जे भी बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट है तो वो डिग्री आपको मेंशन करना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देन बी का डिग्री ठीक है अगर जूनियर के लिए है तो ग्रेजुएशन होता है यूजुअली और बी का डिग्री या फिर बीटी का जे का राइट अब देखिए सेकंड पैराग्राफ हो गया इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको ठीक है परसेंटेज वगैरह सब आएगा बायो में बाकी कुछ मत लिखिए देन प्लीज़ फाइंड माई बायो आपको ये बताना है कि बायो मैंने इसके साथ में दिया है I humbly request you for kind consideration of my application. If selected, I I shall leave no stone unturned to satisfy my superiors with my hard work and dedication. अगर मुझे luckily काम करने को यहाँ मौका मिलता है तो मैं अपने superiors को अपने seniors को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा या दूंगी ठीक है मैं hard work करूँगी जिससे कि मेरे seniors satisfied हो ये आपको लिखना है और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ ये जो सेकेंड पैराग्राफ में आपको बताना है आपका लास्ट क्वालिफ़िकेशन बी एड उसके साथ आपको ऐड करना है एक्सपीरियंस एज वेल ओके क्योंकि यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन आपको दिखाना है जिसकी बदौलत आपको ये जॉब मिलेगा राइट आपको बताना है कि जो पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं बस उसके बाद देखिए आपको लिखना है थैंक यू यू इन सॉरी थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन इसका मतलब है कि हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया अब उन लोग भी तो टाइम निकाल रहे हैं ना हम लोग का एप्लीकेशन देखने के लिए दे आर आल्सो टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम देयर एक्सट्रीमली बिजी स्केड्यूल ओके सो वी हैव टू थैंक देम एज वेल देन वी विल राइट योर्स सिंसियरली कॉमा ज़रूरत नहीं है ओके okay? यहाँ पर कॉमा मत लगा दीजिएगा फिर योज सेंसेली और एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूँ यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है योर फिफ्थ फुल के नीचे सिग्नेचर देना है उसके नीचे आपको अपना नाम विद इन ब्रैकेट लिखना है कैपिटल लेटर्स में ओके कैपिटल लेटर्स में ये याद रखिए मैं कैपिटल लेटर को इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि रनिंग लेटर में अगर आप लिखेंगे तो कोई किसी का हैंड राइटिंग इतना बुरा होता है कि ए और ई e सेपरेट you know, नहीं कर सकते हम लोग उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते इसलिए ए एन ई जो है वो रिकग्नाइज कर नहीं कर सकते ए एन ई जो है वो अच्छे से नहीं लिखते जिसकी वजह से रिकगनाइज नहीं हो पाता इसलिए जो भी फॉर्म आप भरेंगे वो कैपिटल लेटर में ही भरना होता है ओके ये ध्यान में रखिए ओके और यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है बाय डेटा इंक्लूडेड और मैंने बताया आपको बाय डेटा के साथ फोटोग्राफ डीडी अगर आप दे रहे हैं तो वो भी इंक्लूड करना है ओके okay? तो एप्लीकेशन के साथ आपको देना है बाय डेटा और जो भी कैंडिडेट है उसका नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए जैसे यहाँ पे कैंडिडेट है सूरज शर्मा तो सूरज शर्मा का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा नेम फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ सेक्स मैरिटल स्टेटस नेशनलिटी ईमेल फोन नंबर परमानेंट एड्रेस कॉरिस्पॉन्डेंस एड्रेस देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं क्या लिखना है मैं बता दी आपको जो आपका लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले लिखना है इसको उल्टा मत कीजिएगा टेंथ को यहाँ लिख के एम को नीचे मत कीजिएगा ठीक है जो प्रायोरिटी में है वो है एम एम की बदौलत आपको काम मिलेगा ना कि टेंथ की बदौलत इसलिए एम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है उसके बाद लिखना है आपको उससे नीचे का क्वालिफिकेशन जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं होता फिर नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट ट्वेल्थ का फिर टेंथ का ऐसे करके आपको देना है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अब टीचिंग के लिए मैं दे रही हूँ एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली टीचिंग के टीचिंग के लिए बीएड है तो बीएड आपको देना है राइट अब कहाँ से किया ये भी इंक्लूड करना है देखिए यहाँ पे मैंने सब इंक्लूड किया है एम ए कौन से सब्जेक्ट में किया कहाँ से किया कितना कौन से ईयर में किया और कितना परसेंटेज आया ये एम्प्लॉयर को क्लियर हो जाएगा अगर उसको इस बस इतना चीज़ का ज़रूरत है तो वो एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखेगा और आपको बुला लेगा राइट और अगर और कुछ जानना चाहता है तो वो आपका सर्टिफिकेट्स टटोलेगा अगर नहीं टटोलना है तो आपको इस हिस्से के बेसिस पे बुला लेगा राइट ओके चलिए वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस में आपको वो दिखाना है जो आपने लेटर में लिखा है अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं आपको कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ कुछ अच्छे जो स्किल्ड यूथ हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है राइट तो वो आज के डेट में सेकेंडरी चीज़ है आप बीस साल में काम करके आपको काम करना नहीं आता तो आपका क्वालिफ़िकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता इसलिए आपको काम ऐसे करना है ताकि आप कुछ सीखें राइट अगर आप कुछ सीखते हैं तो वेल एंड गुड अगर नहीं सीखते हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो है राइट तो इसीलिए नए वाले को भी लेते हैं तो प्रोवेशन पीरियड रखते हैं एम्प्लॉयर्स कि एक साल के अंदर में उसको जज किया जाएगा कि कैसा काम कर रहा है अगर अच्छा कर रहा है तो उसको उसका जो वर्क ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड किया जाएगा अगर नहीं तो यू नो नेगेटिव चीज़ हो सकता है right? तो ऐसे करके लिखना है तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए कुछ लोगों को बिना एक्सपीरियंस वाले लोग भी चाहिए होता है ताकि उन लोग काम अच्छे से कर सकें ओके नेक्स्ट है हॉबीज़ हॉबीज़ में आपका जो हॉबीज़ है वो लिख दीजिए आपको ये मत सोचिए कि आपको जो टीचिंग का एडवर्टाइजमेंट आया उसी के रिलेटेड देखना है ऐसा वैसा नहीं है ऐसा केस नहीं है ओके नेक्स्ट लैंग्वेज नोन अब लैंग्वेज नोन में उसी को प्रायोरिटी दीजिए जिस जिसकी ज़रूरत है राइट right? जिसकी ज़रूरत है अब हो सकता है कि लोकल लैंग्वेज बहुत जानते हैं सब इंक्लूड करने का ज़रूरत नहीं है चार ब्रॉड लैंग्वेज़ uh, का नाम लिख दीजिए हिंदी इंग्लिश मैंने लिखा भोजपुरी एक और ऐड कर दीजिए जो कि आपको ज़रूरत हो ओके okay, जो कि यू uh, नो you know, बहुत ही ज़रूरत हो एम्प्लॉयर को वो लैंग्वेज इंक्लूड कीजिए जिसकी वजह से एम्प्लॉयर का बेनिफिट हो सके ओके ओकेट नेक्स्ट इज़ हॉबीज नेक्स्ट इज रेफरेंसेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के आज के डेट में ये इसलिए क्योंकि बहुत लोग हैं जो uh, बाहर से आते हैं कुछ लोग तो यू नो देडल्स दैम सेल्स इन ईवल प्रैक्टिस इलीगल प्रैक्टिस इसकी वजह से उनको उनका जेनविनिटी होना ज़रूरी है इसलिए आपको उन दो आदमियों का नाम देना है अपने लोकेलिटी से जो आपको अच्छे से पहचानते हैं ओके और वो लोकेलेटी का इंसान भी एक रेपूटेड पर्सन होना चाहिए डॉक्टर टीचर या फिर कोई पॉलिटिशन भी हो सकता है ओके तो ऐसे इंसान का डेजिग्नेशन भी लिखना है आपको और उसका नाम और उसका एड्रेस और एक चीज़ और लिखना है इसका फ़ोन नंबर ओके फ़ोन नंबर मैंने छूट किया है प्लीज़ आप फ़ोन नंबर ऐड कर लीजिएगा राइट आई होप ये किसी का नंबर फ़िलहाल तो नहीं है राइट तो यहाँ पे भी आपको ऐड करना है फ़ोन नंबर प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा मेरे से ये छूट गया ओके नंबर वन अनिल शील दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज फ़ोन नंबर देन नंबर टू डॉक्टर शनमाया शेरपा सदर हॉस्पिटल दार्जिलिंग देन फोन नंबर ओके एंड दिस विल कंक्लूड योर बाय डेटा ऑल्सो एंड पूरा जॉब एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है कि इस ये जो जो मैंने बताया ये सब को फॉलो करना है ताकि आपको जॉब अच्छे से मिल जाए ओके okay? तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे